मैं महंत हनुमान दास, महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति शाखा मध्य प्रदेश। सर, जो बैठकें चल रही हैं आपकी, उसको लेकर क्या डिसीजन हो रहा है? ऐसा है, हम बहुत दिन से बैठकें करते हुए चले आ रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति तीन काम मुद्दों पे काम कर रही है, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा। अब जो है कुछ समस्याएं मठ मंदिरों के पुजारियों के संतों की भी आ रही थी, तो अभी पंजीयन का मामला ऐसा था कि पंजीयन नहीं हो पा रहा था, जो मठ मंदिरों से कृषि भूमि लगी हुई है, तो उसके लिए हमने शासन को अवगत कराया तो वो तत्काल रूप से हो गया। बाकी कई मुद्दे हमारे ऐसे हैं, शासन के संज्ञान में भी है और विचार विमर्श भी चल रहा है और हम भी उसमें प्रयासरत हैं। अच्छा, ये 20 साल से अभी तक मठ मंदिरों का मामला दिग्विजय सिंह के शासनकाल से चलता आ रहा है, अब यहाँ बीजेपी में 4 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, अभी तक आपकी डिमांडें क्यों नहीं पूरी हो पाई? नहीं, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं पूरी, जो समय समय जैसा अभाव रहता है उस तरह से हमारी मांगें होती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मांगें हैं तो वो नहीं हो पाई है, जैसे कि कलेक्टर प्रबंधक हटा जाए, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, कलेक्टर प्रबंधक होना चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार जो है जो कृषक सुविधा है सभी संतों को, पुजारियों को मिले जिनके पर कृषि भूमि है। सर, जिस प्रकार राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर चंदा वेला किया जा रहा है, उसी मामले को लेकर दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या की गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी धर्म को दबाने का प्रयास। सबसे पहले तो मैं, वो एक हमारा सैनिक था बजरंग दल का, सबसे पहले उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान को चरणों में स्थान दे, लेकिन मैं उसकी साथ साथ जिन विधर्मियों ने उसकी हत्या की है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और सरकार को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो जिन लोगों ने उसकी हत्या की है उसको कड़ी सजा मिले और रिंकू के घर वालों को मुआवजा दिया जाए, कम से कम 50 लाख रुपए उसके लिए होना चाहिए, एक नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारा बच्चा अकेला था, उसका माता पिता के एक सहारा वही था, और जिन विधर्मियों ने उसका कत्ल किया है उनको बहुत कठोर कार्रवाई की जाए। परिवार डरा सा सहमा सा हुआ है, आम आदमी पार्टी वहाँ कह रही है कि इसको राजनीति रहने दिया जा रहा है, तो क्या ये आम आदमी पार्टी को तो कोई हिंदू धर्म से लेना देना है नहीं, वो तो हमेशा जो देश के विपरीत बातें होती वो करती चली आ रही हैं, तो उसको तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं उनको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि वो भी हिंदू हैं और भगवान राम के सबके हैं, पूरे संसार के हैं, उनको भी कार्रवाई करना चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दा न बना करके, ये एक हमारा हिंदू सैनिक है, इस पर विचार विमर्श करके उसको कार्रवाई करें सरकार।